अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों मिनी कंप्यूटर आप लोगों को कहाँ पे मिलता है और उसका साइज़ क्या होता है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने नॉर्मल CPU का साइज़ तो देखा ही होगा आप लोगों के सामने, और लैपटॉप का भी साइज़ आप लोग जानते ही होंगे, और मोबाइल का साइज़ भी आप लोगों को पता ही होगा कि मोबाइल भी एक मिनी कंप्यूटर ही है। दोस्तों एक रेसबेरी नाम की कंपनी है जिन्होंने ये PCB इन्वेंट किया है। आप लोगों के सामने इसका साइज़ जो है हथेली की साइज़ के बराबर है। दोस्तों इसकी ख़ास बात यह है कि ये आप लोगों को जो फुल कंप्यूटर की तरह डिस्प्ले देता है, जैसा कि आपके सामने है आप देख सकते हैं। ये मैंने LCD के पीछे लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं दोस्तों ये LCD के पीछे मैंने ये रेसबेरी पाई लगाया हुआ है। दोस्तों इसकी जो यूजेस है, यूजेस की अगर बात करें तो ये स्कूल के अंदर भी यूज़ होता है, और जो है नॉर्मल प्रोग्रामर होते हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। पाइथन वगैरह, HTML, JavaScript और जो है बहुत सी ऐसी लैंग्वेज इसके ऊपर सीखते हैं। दोस्तों ये क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये साइज़ में बहुत छोटा है और कहीं भी पॉकेट के अंदर भी आप रख के कहीं भी घूम सकते हो। दोस्तों अगर इसकी आप रैम की बात करें तो इसके अलग अलग वेरिएंट है, मार्केट के अंदर आपको अलग अलग वेरिएंट भी मिल जाएंगे। और दोस्तों इसके अंदर आपको 4GB रैम वाला भी मिल जाएगा, मगर इसके अंदर हार्ड डिस्क नहीं है। दोस्तों हार्ड डिस्क की जगह पे आप लोगों को मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो है हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव कंपनी ने दी ही नहीं, मेमोरी कार्ड की स्लॉट दी है, आप उसके अंदर जो है मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें, इसके अंदर डिस्प्ले भी आप लोगों को नहीं मिलता, आपको कहीं भी डिस्प्ले आप लोगों को मिलता है, जैसे LCD मिल गई तो आप इसके अंदर भी लगा सकते हैं। दोस्तों मॉनिटर के अंदर भी ये लग जाता है, HDMI केबल से ये कनेक्ट होता है। और दोस्तों अगर इसकी आप पावर की बात करें तो ये मोबाइल के चार्जर से चलता है, मोबाइल के चार्जर से इसका डिस्प्ले आता है, इसका PCB बोर्ड चलता है, और उसके बाद ये आप लोगों को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। अब इसका ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर विंडोज़ भी चलता है, लिनक्स भी चलता है, और जो है इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी है रेसबेरी नाम का। दोस्तों वो आपको raspberrypi.com से भी मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, ये एक ऐसी चीज़ है जैसे आप अपने कैमरों को ऑनलाइन करना चाहते हैं, आप लोगों के पास जो है IP कैमरा है, आप इसको IP कैमरे के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप रोबोट वगैरह बनाते हैं, छोटा स्मॉल रोबोट वगैरह, उसके अंदर भी आप उसको कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, जैसे आपने कोई जो कॉलेज का प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं लड़के करते हैं कि छोटा मोटा रोबोट बना देते हैं, उसको जो है कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, तो वो भी रेसबेरी पाई का यूज़ करते हैं। और दोस्तों अगर आप इसको रोबोट वगैरह बनाना चाहें उसके अंदर ये यूज़ हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप मिनी रेडियो स्टेशन बनाना चाहते हैं, मिनी रेडियो स्टेशन के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये आप लोगों को तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 4,000 से 5,000 रुपये में मिल जाएगा। दोस्तों ये यूजेस के अंदर बहुत अच्छा है। दोस्तों इसके अंदर आप गेमिंग भी कर सकते हैं, PUBG वगैरह छोटी मोटी गेम्स वगैरह आप खेल सकते हैं इसके अंदर, और जो बड़ी गेम्स भी आप खेल सकते हैं अगर आप रेसबेरी पाई का 4 वर्जन या 5 वर्जन जो भी के लेटेस्ट आने वाले वो लेंगे तो उसके अंदर आपको हैवी गेम्स भी खेलने को मिल सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।